वेलकम टू सुला विनियर्ड्स। हम हैं नासिक के बिल्कुल पास और नासिक की खास बात यह है दैट इट इज़ नोन एज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के फाइनेस्ट ग्रेप्स इस मौसम में और इस जगह में उगते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं आपको सुला विनियर्ड्स के बारे में और बताने के लिए, और हमारे साथ है मिस्टर अमृत। हाउ आर यू अमृत? हेलो सर, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इतना खास क्या है नासिक के बारे में और इस सॉइल के बारे में कि आपके यहाँ पे इतने फाइन ग्रेप्स उगते हैं? राइट, तो बेसिकली नासिक का जो वेदर है दैट इज़ बेस्ट सुटेबल टू ग्रो दीज ग्रेप्स। हमारे यहाँ जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड पड़ती है। राइट, दिन की गर्मी से ग्रेप पकेगा, उसमें शुगर डेवलप होगी, शुगर इज़ इम्पॉर्टेंट वाइन बनाने के लिए। एंड रात की ठंड की वजह से ग्रेप में हल्की सी एसिडिटी आती है जो कि आपके वाइन को क्रिस्प टेस्ट देती है। राइट, तो दिस इज व्हाट वी लुक फॉर एंड इसीलिए नासिक। तो वेदर एकदम परफेक्ट है, वेदर परफेक्ट, सॉइल इज ऑलवेज बीन रिच एंड फर्टाइल, महाराष्ट्र में तो यही फेमस है। एग्जैक्टली, सो बेस्ट प्लेस टू ग्रो वाइन यस इज इन नासिक। ग्रेप्स, वाइन तो बाद में आती है। लवली, तो ग्रेप्स आपने हार्वेस्ट किए, ग्रेप्स लाए गए यहाँ पर? जी, ग्रेप्स यहाँ पर लाए जाते हैं और इन दो मशीन्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनमें प्रोसेस किए जाते हैं। मेनली दो टाइप के ग्रेप्स होते हैं, ग्रीन और ब्लैक। Right. तो सबको पता होगा ग्रीन ग्रेप्स से बनती है व्हाइट वाइन और ब्लैक से रेड वाइन। ग्रीन ग्रेप्स को हम लोग इस मशीन में डाल के प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते हैं मतलब क्रश किए जाते हैं, जूस निकाला जाता है। एग्जैक्टली, ये एक जूसर के जैसे काम करती है। वी जस्ट वांट द जूस टू मेक अ व्हाइट वाइन। और ब्लैक ग्रेप के लिए जो रेड वाइन बनती है उसका कलर आता है ग्रेप के स्किन में से। अच्छा, तो हम लोग डी स्टेमर यूज करते हैं जो सिर्फ स्टेम्स को अलग करेगा और पूरा ग्रेप स्किन के साथ में यूज कर लिया जाएगा रेड वाइन बनाने के लिए। तो स्किन में जो टैनिंस होते हैं, जो डार्क कलरिंग होती है, उससे रेड वाइन बनती है। उससे रेड वाइन बनती है। फैबुलस, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? और फिर हम लोग यहाँ पे फर्मेंटेशन करते हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर वी डू द मैजिक ऑफ कन्वर्टिंग द जूस इन द वाइन। ठीक है, एक बार हमने जूस मिल गया, हम लोग जूस को इन वैट्स में डालेंगे फर्मेंटेशन टैंक्स। उसे ठंडा किया जाएगा और उसमें यीस्ट ऐड किया जाएगा टू स्टार्ट फर्मेंटेशन। यीस्ट व्हाट इट डज इज इट कंज्यूम्स द शुगर, कन्वर्ट्स इट इनटू द अल्कोहल, राइट, एंड दैट मेक्स अ वाइन। ये ऑलरेडी मेरी फेवरेट जगह है अमृत। यहाँ पर द टेम्परेचर इज व्हाट, 12 डिग्रीज? यहाँ 13 टू 15 डिग्रीज का टेम्परेचर है। आई लव इट, फुली एयर कंडीशन्ड, आई एम श्योर। तो वाइन का अल्कोहल कंटेंट हो गया परफेक्ट। जी, बैरल्स में डाल के उसे यहाँ लाया गया स्टोरेज के लिए। राइट। तो कितनी देर तक स्टोर करते हैं आप? तो अभी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वाइन, वेदर इट्स अ व्हाइट वाइन, रेड वाइन, इट कैन स्पेंड एनीवेयर बिटवीन 2 months टू 4 months टू 15 to 18 months। अच्छा, तो 2 से लेके 15 महीने तक इन बैरल्स में यही रहेगी वाइन? जी, और देन इट बिकम्स मैच्योर इनफ टू पुट इन अ बॉटल। एग्जैक्टली, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, वाइन में एक परफेक्ट बैलेंस आ चुका है कि नहीं। इफ योर वाइन वॉज टेस्टिंग एसिडिक, यहाँ पे वो थोड़ी यू नो मेलो डाउन हो जाएगी। राइट, उसके फ्लेवर्स थोड़े कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। एंड इफ यू थिंक इट्स ड्रिंकेबल नाउ, इट्स एन्जॉयबल, इट्स रेडी, वी आर गेटिंग अ गुड बैलेंस इन टू इट, द एजिंग इज डन एंड इट्स रेडी टू बी बॉटल्ड। तो ये आर्ट भी है, साइंस भी है। Exactly, it's a mix of both. Fantastic. और इसकी aging के बाद now ready to drink? It's ready to drink. तो चल के taste करें? बिल्कुल. ये मेरा favorite part है. तो अमृत, अभी सुला कितने किस्म की wines बनाता है? हम लोग 30+ brands बनाते हैं. 30+ brands. Wow. और ये कैसे, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, शैंपेन, स्पार्कलिंग वाइन? वी हैव कवर्ड ऑल दी स्टाइल्स ऑफ वाइंस जो हम लोग बनाते हैं। जब हमने वाइन बनाना स्टार्ट किया था तो द सोर्स वाज अ वाइनरी। अच्छा, तो सोर्स वहां से। तो कितने कमरे हैं आपके पास? अबाउट 59 रूम्स। रेस्टोरेंट्स कितने आपके पास? हमारे पास 3 रेस्टोरेंट्स हैं, लिट लिटली, रासा एंड ला बोडेगा। और आपके ग्लासेस में मैंने हमारे 4 मोस्ट एलीट ब्रांड्स पोर किए हुए हैं। सुपर, तो एनी ऑर्डर पर्टिकुलर कैसे शुरू करना चाहिए? यस, तो हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं स्पार्कलिंग वाइन से, व्हिच इज देयर इन योर फ्लूट। राइट, और शैंपेन सिर्फ शैंपेन डिस्ट्रिक्ट की स्पार्कलिंग वाइंस को बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, तो ये है सुला की स्पार्कलिंग वाइन। लवली, एंड चीयर्स। चीयर्स। ओह, ब्यूटीफुल, हवा पीने जैसा, बिल्कुल लाइट पैलेट पे, वेरी लाइट, क्रिस्प, रिफ्रेशिंग, ग्रेट वाइन फॉर हॉट समर डेज लाइक दिस। ओह, फैंटास्टिक है। और ये बकेट किस लिए? ये दिस इज टू स्पिट। ओह राइट, थोड़ा वाइन टेस्ट किया देन यू स्पिट इट। वाइन टेस्ट किया देन यू स्पिट इट। ओह, तो यहाँ नहीं होने वाला, दिस इज अ वन वे स्ट्रीट। एक बार यहाँ कुछ गया तो कभी बाहर नहीं निकलता। Okay, so what's next? अब पैलेट पे बहुत लाइट, एक जेंटल फ्लेवर। जेंटल फ्लेवर है, काफी सारे फ्रूट्स है पैलेट पे। दिस विल क्लियर योर टेस्ट, प्रिपेयर योर टेस्ट फॉर द नेक्स्ट। लवली, थोड़ा बहुत हमको भी आ रहा है। इतना साफ मेरा पैलेट सालों से नहीं हुआ जी। ओके, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं हमारी ग्रनाश रोजे।
ग्रनाश रोजे जी, मतलब अ लाइट रेड रोज वाइन, रोजे वाइन, यस रोजे वाइन। तो रोजे हम लोग इसको इसके कलर की वजह से कहते हैं, ब्यूटीफुल पीच कलर एंड sort of whiff of raspberries and strawberries. Right, I was going to say बहुत बेरी का फ्लेवर आ रहा है एकदम. How lovely, this is a beautiful wine. ये तो मेरे को ऑलरेडी पसंद आ गई है. That's right. Wow, ये मेरी फेवरेट है अभी तक. But actually ये भी. Nice, दोनों ही रोज़े हैं. दोनों रोज़े हैं. दोनों रोज़े हैं. So I'm a rose kind of guy. गुलाबों फूलों में फूल, गुलाब का फूल. Just lovely. और अब लास्ट में फिर वी गॉट द रेड वाइन, द सीरियस स्टाइल ऑफ अ रेड वाइन। रेड वाइंस को लोग कहते हैं रूम टेंपरेचर पे पीना चाहिए, बट दैट रूम टेंपरेचर रेफर्स टू यूरोपियन रूम टेंपरेचर। सो इंडिया में हल्का सा यू नो कोल्ड टेंपरेचर्स पे आपको, मतलब 45 डिग्रीज पे नहीं चले बिल्कुल भाई, थोड़ा प्रॉब्लम है, बी केयरफुल रूम टेंपरेचर किसे बोले। वाओ, ड्राई, coats your palate completely. It's a nice dry wine, very crisp, exactly, and huh? bomb of flavors. I'm surprised, it's bahut hi acha. Which wine is this? Ye Rasa Cabernet, this is a Rasa Cabernet. Rasa Cabernet, highly recommended. Agar aapne Sula wines abhi tak try nahi kari hain to please zarur try kijiye, some incredible flavors. Like I said, my favorites are the rose, but abhi ye Rasa Cabernet peene ke baad I am a little doubtful ki ye favorite hai meri. Exactly. I would in fact love to offer you our second sparkling wine, which is sparkling Shiraz. Lovely. We are the only producers of a red sparkling wine in India. So ye red sparkling wine hai. Yes, ye hamari Shiraz grape se banayi gayi. Mana to main kabhi karta hi nahi ji khane peene ki cheezon ko. Oh wow. Beautiful burgundy red. Yes. Cheers. I'm sure you like it. Very light version of Shiraz. Easy drinking. Oh, and it has the real flavor of berries. Ek sweetness hai iske andar. Exactly. Or very easy on the palate. Right. Very, very nice. I hope आपको ये हमारा वाइन का सफर पसंद आया हो। सूला विनियर्ड जरूर आएगा, और सब कुछ करने के बाद, यानी खा लिया, वाइन पी ली, ट्राई कर लिया, टेस्टिंग हो गई, उसके बाद इस शॉप में आके खूब सारे सुविनियर्स घर लेके जाएगा, सो दैट यू रिमेंबर। सूला विनियर्ड्स ओवर द ईयर्स एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। 2000 से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर इन सीजन टू चेक आउट द ब्यूटीफुल वाइन्स, टू टेस्ट देम एंड टू इन्जॉय देमसेल्व्स। तो आप भी ज़रूर प्लान बनाएगा, जब भी महाराष्ट्र आए, नासिक के पास आए, तो सूला विनियर्ड जरूर पहुंचे, और मैं खरीदने वाला हूँ खूब सारे सुविनियर्स।